आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान के सिखाए नहीं दिया। पाकिस्तान में चलो देखो, चल के उठाओ कैमरा, कैसे होते थे कागज है कोई, कैसे होते थे कागज, कागज कागज कैसे तलाक होते थे तुम्हारे, हम मुसलमानों के कैसे तलाक होते थे। चोर है, अभी हमें नहीं सम्मान गए हैं, हमें नहीं बुलाया है, अभी सीमा को नहीं बुलाया है। मेरे सवाल वो है जो इस समय भिजा में पूछा कि सीमा की बिंदी पर सवाल उठाते उन्हें क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सीमा सचिन केस में कई बड़े बदलाव आ रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव कि कोर्ट ने अब गुलाम हैदर को परमिशन दी है कि वो उत्तर प्रदेश आ जाए और गवाही दे। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब इस केस में क्या होने वाला है, सीमा सचिन और सीमा सचिन के वकील क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है। मेरे साथ सीमा सचिन के वकील डॉक्टर ए पी सिंह है। डॉक्टर साहब, कोर्ट ने गुलाम हैदर को भारत तो बुला लिया है, वो बुलाना भी जरूरी है, आदेश भी जरूरी है, क्योंकि जो हमने कंप्लेंट लगाई है भारत और पाकिस्तान का दुश्मन देश है, तो भारत से हमारी कार्रवाई की हुई व्यक्ति को पाकिस्तान में जब तक वो रहता अरेस्ट नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो उन्होंने वहां बैठकर साइबर टेररिज्म किया है, जो भारत के सनातन पद्धति हिंदू रीत रिवाज परंपरा को सीमा के साथ साथ पूरे देश को, सरकारों को, योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, स्वयं मुझे वकालत के पेशे को जो जलील किया है, जो गालियां दी हैं, जो साइबर टेररिज्म फैलाया है, जो हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारी है उसको खत्म करने के लिए फैलाया है साइबर टेररिज्म के द्वारा, डेली दिन में 3-3 बार लाइव आना, बैठ बैठ के लगातार गालियां देना, घंटों गालियां देना, ये सब के खिलाफ हमने केस रजिस्टर्ड कराया है गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर टेररिज्म। और जिसमें ये लोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ के मोमिन मलिक हैं, यहाँ के हेमंत पाराशर हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, आस्तीन के सांप हैं, यहाँ रहने के बावजूद ऐसा करते हैं, ऐसे लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। इन्होंने पाकिस्तान से करके, आतंकवादी संगठनों से बात करके और लगातार भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। खासकर लोकसभा चुनाव जब है, जनरल लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ऐसी परिस्थितियां पैदा की, ऐसी बातें की, ऐसे कंटेंट्स डाले, जिसकी वजह से हमने ये केस सब किया है। और इसमें इनकी जांच फेरा के द्वारा होगा, इनको जो पैसे हवाला के द्वारा मिलते हैं, इनके मोबाइल फोन, इनकी चैटिंग, इनकी कॉल डिटेल, इनके बैंक अकाउंट सारे निकाले जाएंगे, सारे चेक किए जाएंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये लोग जो गतिविधियां कर रहे थे लगातार, ये बाहरी साजिश आतंकवादी शय पर कर रहे थे। और जिसकी तरह आज भी आपने देखा, 10 स्कूलों को दिल्ली के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, इस तरह से खबरें की जा रही हैं। चुनाव का समय भैया, मैं ये कह रहा हूँ, गुलाम हैदर आ रहा है जो सीमा का पहला पति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने हाँ, तो वो गवाही के लिए आ रहा है, पूर्व पति आ रहा है ना, जो आप कह रहे हैं, वो नहीं कह रहा पूर्व पति है ना, उसका कहना है कि मेरी पत्नी है इस समय। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपने सोशल मीडिया पर जब सीमा पाकिस्तान में रहती थी, होली मनाती है, होली मनाई थी, दिवाली मनाई थी, वीडियो कॉलिंग की थी, करवा चौथ की थी, क्या ये कोई मुस्लिम महिला कर सकती है, क्या मुस्लिम महिला ऐसा करके वहां जिंदा रह सकती है, इसका मतलब नहीं, ये तो यहाँ पर भारत में किए ना ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान में करती थी। आप इंस्टाग्राम चेक करिए, जब भारत एकदम नहीं भारत में आ गई, बिना प्यार के भारत में नहीं आ गई, बिना रीति रिवाज को समझे नहीं आ गई, यार तो था लेकिन जो ये सब वहां करती थी, सनातन धर्म वहां ग्रहण कर चुकी थी, सनातनी बन चुकी थी, उसके बाद वो भारत पर नेपाल आई, नेपाल से बच्चों के आश्वासन मिलने के बाद सचिन के द्वारा वापस पाकिस्तान गई और बच्चों को लेकर यहां आई, और उसके बाद ये रह रही है। हिंदू धर्म तो यहां उसने वहां ग्रहण कर चुकी है, वहां ग्रहण करके नेपाल में शादी की थी, नेपाल में हिंदू बन के शादी की थी, जब पहली बार, फिर भारत में शादी करने की जरूरत क्या थी, फिर नहीं जरूरत है यहां, ठीक है पाकिस्तान में लोग थे, वहां 3 लोग थे, यहां 3,000 लोग थे, वहां 3 लोग थे शादी में, तो शादी भी कई कई बार करवाएंगे आप, क्यों नहीं, तीन तीन जब
यहाँ परिवार है, यहाँ ससुराल है, यहाँ मायका है, यहाँ रिश्तेदार हैं, यहाँ सब लोग हैं, क्यों नहीं करेंगे? वहाँ तीन लोग, यहाँ 3,000, यहाँ दावत हुई कोई, वहाँ दावतें हो पाई, यहाँ सारा रीति रिवाज से, परंपरा से, संस्कार से, इसके बाद हुई आपको भाई एक महिला के मुझे परेशानी क्या? परेशानी नहीं है, लेकिन मैं कानून मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। धर्म ग्रहण किया वहाँ, उसके बाद वहाँ शादी की, लोगों की शक थी, लोग डाउट करते थे, लोग कहते थे बताओ दिखाओ, अब देख लो, अब दिखा रहे हैं तो लोगों को परेशानी, देख रहे हैं तो लोगों को परेशानी, अब तो परेशानी अब नहीं, तो अब हो पुलिस की निगरानी में शादी हुई, लोगों की व्यवस्था में शादी हुई, लोगों की उपस्थिति में शादी हुई, मीडिया की समय शादी हुई, तो शादी हुई, तो उस पर तो कंप्लेंट हुई है, उस शादी पर भी कंप्लेंट हुई है, उसको लेकर कोर्ट गए हैं मोमिन मलिक जो आप बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उन्हें उन्हें नफरत है बिंदी से, उन्हें नफरत है सिंदूर से, उन्हें नफरत है मंगलसूत्र से, उन्हें हलाला से नफरत नहीं थी, उन्हें आज प्रियंका और जो 2 साल से लापता लड़कियां हैं पाकिस्तान में जिसे आप देख रहे हैं किडनैप करके की, उससे नहीं नफरत है, उन्हें पाकिस्तान में जो हजारों लड़कियां रोजाना हजारों लड़कियां हर साल हिंदू धर्म दबाव डालकर किडनैप करके अपहरण करके उनका धर्म ग्रहण करा धर्म बदलवाया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी शादी कराई जाती है, ठीक है वो सारी चीजें ठीक है, वो उस ठीक कहते हो, नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, अरे वो केस अलग तो है ना, तोड़ेगा वहाँ मंदिर हर साल तोड़े जाने चाहिए, नहीं कन्वर्जन होना चाहिए, आजादी के समय कितने हिंदू थे वहाँ आपको आंकड़े, क्या अब उतने हिंदू रह गए हैं? आजादी के समय कितने मंदिर थे वहां, क्या उतने मंदिर रह गए? और हमारे यहां आजादी के समय कितने मुस्लिम थे, बड़े हैं, हमारे यहां आजादी के समय कितनी मस्जिदें थी, बड़ी हैं, हमारा ये रिकॉर्ड है, वो ठीक है वो गलत है, वो मैं कह रहा हूं, लेकिन उस केस का इस केस से लेना देना नहीं है, मैं ये तो लेना देना है, वही लोग तो ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए तो सीमा को दुखी किया जा रहा, मुझे बताइए सीमा को लगभग 1 साल होने जा रहा, जब सीमा स्पाई आतंकवादी जासूस थी, जब सीमा जेल गई, जब सीमा की बेल हुई, जब सीमा बाहर आई, जब सीमा की हमने राष्ट्रपति महोदया के यहाँ याचिका लगाई, तब ये कोई आए, तब किसी ने कहा ये स्पाई नहीं है, किसी का वीडियो है आज तक दिखा दो उस समय का कि मैं इनका पति हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ सऊदी अरब से ये स्पाई नहीं है, आतंकवादी नहीं है, पति तो कह रहा था, वो कह तो रहा था मैं पति हूँ, स्पाई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पति तो कह रहा था, पति होता है असली, क्या मना नहीं करता कि आतंकवादी मत बोलो, उसे जासूस मत बोलो, स्पाई मत बोलो, कहा कभी, कभी देखा, कभी सुना, लेकिन पति तो वो तो कह रहा है, भाई वो सऊदी अरब था, वो क्या उसे क्या पता उसके पीछे क्या हो रहा है, दुनिया में सोशल मीडिया में तो चल रहा है ना, तब बच्चे कहे, अब बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब बच्चे दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, अब बच्चे सनातन हो चुके हैं, बच्चे कैसे कन्वर्ट होते, भाई माँ जो माँ है ना उसकी, तो बच्चे माँ है ना, बच्चे जब तक बालिग ना हो जाए, जब तक कस्टोडियन है माँ, जैसे भाई बच्चों का धर्म तो अभी डिसीजन नहीं दिया जा सकता ना, जब आपको धर्म का कानून पता है, आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान के सिखाए बोल रहे हैं, सुनिए मैं किसी के नहीं बोलता, आप बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं वो सवाल उठाता हूँ, जो बच्चों का मालिक कौन है, आप हम माँ है कोई रोल बच्चों का नहीं है, पैदा किया है ना 9 महीने पैदा किया है ना, जब सऊदी अरब थे तब पैदा हुआ, तलाक बाप भी तो बच्चों के लिए सऊदी अरब गया है, तलाक दे चुका है, तलाक क्या है, वो कह रहा नहीं दिया, पाकिस्तान में चलो देखो, चल के उठाओ कैमरा, कागज है कोई, कैसे होते थे कागज कैसे तलाक होते थे, तुम्हारे यहाँ मुसलमानों के कैसे तलाक होते थे, तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे सामने औरतें नहीं बोलती थी कि तलाक हो गया मेरा, तलाक हो गया नहीं होता था, पाकिस्तान में तो बंद है ना 3 तलाक, यहाँ भी अभी बंद हुआ है, कानून के ज्ञाता महोदय, यहाँ अभी बंद हुआ है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान की बात करिए, मैं भारत के कह रहा हूँ, यहाँ 3 तलाक अब बंद हो पाया है, मोदी जी की सरकार के समय बंद हो पाया, तो गुलाम हैदन तो पाकिस्तानी है, वो कह रहा है कि नहीं मैंने 3 तलाक दिया ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कहने से तलाक नहीं दिया, अब कहने से तलाक नहीं दिया, ये कौन बताएगा, सीमा बताएगी, गुलाम आ रहा ना, सीमा बताएगी कि वो
सीमा बताएगी तलाक दिया है कि नहीं दिया कि तुम बताओगे? ये सीमा का गुलाम हैदर का म्यूचुअल मामला बताएगी। सीमा बता रही है, सीमा बता चुकी, सीमा कह चुकी, सीमा बोल चुकी, सीमा सबके सामने कह चुकी है। लेकिन उसका कोई गवाह भी तो होना चाहिए वकील साहब। हाँ गवाह है ना, वहाँ सबूत भी तो होना चाहिए। वहाँ सबूत है ना, वहाँ है पाकिस्तान में सबूत है, पाकिस्तान में गवाह है। मैंने कोई सबूत दिला तो पाकिस्तान के तो रीमा 100 बन चुकी है, पाकिस्तान के तो सबूत में 100 रीमा बन चुकी है, तुम्हारे चैनल पे भी आ चुकी है। सीमा रीमा कह रही थी बात करते हो गए 100 रीमाओं से, मैं एक रीमा हूँ, मैं ये रीमा हूँ, मैं वो रीमा, बात करते हो गए उसकी फोन पर चैटिंग मुझे कही कि नहीं कही मेरी, मैं हूँ रीमा मुझे चलाओ, मैं हूँ रीमा मुझे चलाओ, मैं हूँ रीमा मुझे चलाओ, यहाँ के तो चैनल चलाओ नहीं। उनका ये कहना था कि वो पाक वो एक थी असली रीमा ही नहीं, असली रीमा आप कैसे कह सकते हैं असली रीमा नहीं है? सीमा बताएगी, सीमा बता रही है कि ये सब बना के बैठा ली जाती नकली। आप कैसे सकते हो असली रीमा? आपने क्लेम कर रहा हूँ असली का, लेकिन उसकी बहन का इमोशंस तो होंगे ना उसके परिवार के। आपने रीमा का आईडी कार्ड देखा? आपने रीमा का शिनाख्ती कार्ड देखा? ऑथेंटिसिटी दे रहा हूँ क्या? आपने मंगवाया क्या? फिर भेज देगी, उसमें क्या दिक्कत है, भेज देगी। हाँ, लेकिन दिक्कत ये, अब गुलाम हैदर आ गया, वो उसकी गवाही तो वैल्यू करेगी ना, उसका पति तो कहेगा कि नहीं मैं बच्चों की परवरिश के लिए सऊदी अरब गया और यहाँ पर ये खेल हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहेगा, बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चे सामने कहे जाएंगे, बच्चे लाए जाएंगे, बच्चे बताएंगे बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन कौन है मदर, बच्चों का बेस्ट वेलफेयर करने वाला कौन है, बच्चों का उन्होंने पहले वाले बच्चों का क्या किया, अब वाले बच्चों का क्या किया, इतने साल 4 साल से पहले बच्चों का क्या किया, क्या किया, वो सब पता चल जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण विषय है तलाक। हाँ, तलाक सीमा कह रही हो चुका है, सीमा कह चुकी है, सीमा कह रही है तलाक हो चुका, तो सीमा का हो चुका। गुलाम कह रहा तलाक नहीं हुआ, अब कह रहा है जब सीमा यहाँ अमीर बन गई, जब सीमा के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जब सीमा का मकान बन गया, गाड़ी आ गई, जब सीमा का सब कुछ हो गया, तो सीमा का तलाक नहीं हुआ। जब सीमा भुखमरी में थी, जब सीमा अब्बा क्या रहती थी, निकाह होने के बाद शादीशुदा बीबी कहाँ रहती है? अपने शौहर के घर रहती है या ससुराल में रहती है? अपने मायके में नहीं रहती, अपने बाप के पास नहीं रहती, अपने बाप के पास रही है। इस्लामिक शरीयत के मुताबिक 6 महीने तक अगर पति पत्नी के संबंध ना हो तो भी तलाक माना जाता है। आपको पता नहीं, जानकारी अपडेट करिए। संबंधों का तो मामला उनका म्यूचुअल है ना, कि वो सारी चीजें। हाँ, वो म्यूचुअल सारी चीजें है ना, वो सीमा बताएगी। और सीमा आपको बता चुकी, सीमा ने आज तक आपको बताया कि तलाक हुआ कि नहीं हुआ? वैसे सीमा ने बताया कि नहीं बताया तलाक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, वो कह रही है तलाक पर विश्वास नहीं है, आप विश्वास की नहीं है, हमें तो आप पर विश्वास है। हाँ, हमें तो आप पर विश्वास है, लेकिन मतलब लीगल है, कानून सम्मत है, क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा तलाक नहीं हुआ, अब वो भारत आ रहा है गवाही देने के लिए, कोर्ट ने उसको कहा कि भारत आ सकता है, अब पाकिस्तान से गुलाम भारत आएगा तो गिरफ्तार होगा, साइबर टेररिज्म तभी तो लगेगा। वो क्यों गिरफ्तार होगा? गिरफ्तार नहीं होगा, वो क्यों गिरफ्तार होगा? केस है, उसने वहां गालियां दी बैठ के भारत को सोशल मीडिया पे। साइबर टेररिज्म यही होता है, ही बैठे बैठे गालियां देते रहो सनातन को, भारत सरकार को, यहाँ के वकीलों को, प्रधानमंत्री को, योगी जी को, सीमा को, बच्चे को, कहीं से दिखाते रहो सीमा मर गई, सीमा भाग गई। वो मर गई थोड़े कह रहा है, सीमा को योगी जी ने भगा दिया, सीमा को मार दिया, सीमा को मोदी जी चुनाव के बाद भगा देंगे, सीमा ये हो गई, सीमा का ससुर मर गया, सीमा ने जहर खा लिया, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया, सीमा ये हो गई। ये चला चला के तो ये गुलाम थोड़ी चला रहा है, और कौन चला रहा है? ये तो दूसरा बैठ बैठ के चला रहा है, उसी पे तो बोलते हैं, उसी पर बोलते हैं, उसी पर चलाते हैं, उसी पर कहते हैं, उसी पर बोलते हैं। वो सीमा के तो भैया वो कहते हैं ये मेरे बच्चे ही सचिन को बड़े होकर गोली मारेंगे, ये वर्डिंग है, ये बाप अपने बच्चों को हत्यारा बनाएगा, भारत में सजा दिलाएगा, ये प्लान है उनका, तो गोली मारेगा। सोचो जो खिला रहा है उसे, जो पिला रहा है, जो पहना रहा है, जो पढ़ा रहा है, जो सुला रहा है, जो घुमा रहा है, उसको गोली मारेंगे। तो गुस्से में कह दिया होगा ना उसमें, उसके गुस्से की तो आप मरहम लगाओ ना, ले जाओ ना ऑइंटमेंट लेके लगाओ। मैं जो कह रहा हूँ वो इस समय कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर आएगा तो गिरफ्तार कैसे हो सकता है? अरे यहाँ की कार्रवाई है ना, यहाँ की पुलिस है, अभी तक तो नहीं मिल पा रहा था, अभी तक आ नहीं पा रहा था, अभी तक आने की बात थी नहीं, गिरफ्तार कर नहीं सकते। पाकिस्तान से तो दाऊद को नहीं गिरफ्तार कर पाए, पाकिस्तान से तो जो जो कांधार प्रकरण हुआ था उसमें गिरफ्तार नहीं हो पाए, पाकिस्तान में तो कितने आतंकवादी भाई खुले घूम रहे हैं, उनको कहाँ गिरफ्तार? थोड़ी कोई किसी का गिरफ्तार कर लेगा, न्यायालय भी तो देखेगा ना कि भाई रियलिटी क्या है, वो भी तो पीड़ित है ना, तो फांसी दी है पाकिस्तान के आतंकवादियों को,
देखा नहीं 26/11 हुआ था तो कहां बंद हो गया था तुम्हारा चैनल? संसद जल रहा था तो बंद हो गए थे? पुलवामा कांड में सैनिक मारे गए तो कहां मौनी बाबा हो गए थे तुम? जब दिल्ली पे हमला, हाईकोर्ट पे हमला हुआ तब कहां गए थे? वाराणसी पे हमला हुआ तो कहां गए थे? भूल गए थे जयपुर के सीरियल बम ब्लास्ट? भूल गए थे करोलबा के सीरियल बम ब्लास्ट? आज डेट में भी धमकी मिली है 10 स्कूलों को हम ब्लास्ट कर देंगे एक साथ दिल्ली। 50 स्कूलों मिली धमकी का इस प्रेम प्रसंग या सीमा सचिन गुलाम के केस से मामला नहीं। हर केस अलग होता, हर केस अलग होता। अरे आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं कि नहीं आते हैं? सबसे अधिक हमारा सैन्य बल जो शहीद होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं मुझे बताइए? पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तिरंगे में लिपट के आते ना हमारे शव शहीदों के, इस देश में ही तो आते हैं। इसीलिए तो हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा। वो ठीक है, वो राजनीतिक मामला है, हमारा राजनीतिक मामला नहीं है वकील साहब। हमारा मामला ये है कि इस मामले में जो नया अपडेट आया कि गुलाम को अगर भारत आने की परमिशन मिली तो ये केस हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि आप गुलाम की और सीमा की शादी वैलिड है, आप पाकिस्तान भेज सकते हैं, उसमें क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट कह देगी, बीबी से पूछेगी ना। अभी तो ये सिस्टम में ये केस ही नहीं मेंटेन होगा, आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं सब लोग। ये केस मेंटेन नहीं, मेंटेनेबल नहीं होगा। मेंटेनेबिलिटी पर आर्गूमेंट होगी, केस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि जो हमारा दुश्मन देश का व्यक्ति है, हमारे दुश्मन जिस देश से दुश्मनी है, युद्ध है हमारे देश, एलियंस है, उसका यहाँ व्यक्ति केस नहीं चला सकता। चल रहा है ना, अब चल तो रहा है, अभी नहीं चला। तो गुलाम को फिर क्यों कोर्ट ने कहा कि आकर गवाही दीजिए? प्रेमचोर है, अभी हमें नहीं सम्मान गए हैं, हमें नहीं बुलाया है, अभी सीमा को नहीं बुलाया है, अभी ये कहा कि अगर आप अपनी बात जो कह रहे हैं, ये जो आप लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी है, जो आप कह रहे हैं उसको गवाही के रूप में दीजिए, इसलिए है क्योंकि हमारे दुश्मन नाम गुलाम को आने के लिए कहा ना कि गुलाम के लिए गवाही देने के लिए, कि अपने केस के लिए गवाही देने के लिए। अभी सम्मनिंग नहीं हुई है, अभी सम्मन के ऑर्डर नहीं हुए, आप गलत फहमी में, आपको नॉलेज कम है, अधूरी नॉलेज है लॉ की, इसलिए नहीं अधूरी नॉलेज नहीं चीजें, तो उनको इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पर जो वकील है केस की बात को मजबूत करो, क्या सही है क्या गलत है इस बात के लिए, इसलिए। अच्छा तो ये ठीक है, तो लेकिन अदालत कंसिडर तो कर रही है ना चीजों को, वो मेंटेनेबिलिटी तभी के चल पाएगा या नहीं चलेगा, तभी तो सेक्शन 83 है ना, आप पढ़िएगा सीपीसी की धारा 83 यही कहती है एलियंस के कि जो हमारे दुश्मन देश हैं, दुश्मनी है जिससे, उसका केस वहां नहीं चलेगा। तो फिर संबंध अगर ये होता तो पहले ही रिजेक्ट हो जाता, अब इसको तो मेंटेनेंस के तो मुझे रिजेक्ट, पहले रिजेक्ट हुआ केस आपको पता है, जानकारी दिए ना, हुआ था ना रिजेक्ट पहले, तो कोर्ट ने बुलाया ना, पहले रिजेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? वो हुआ था, वो उसी स्टेज पर डिसमिस हो गया, वो अब आगे चल के डिस स्टेज पर आ गए। सीपीसी कानून देखेगा, कोर्ट देखेगा, मैं देश की अदालतों पर सीमा सचिन मीना को पूरा विश्वास, लेकिन वो अपने बच्चों पर तो क्लेम कर रहा है ना, बोला सीमा से अगर मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है मेरे बच्चों से, जिसको लेकर वो दिक्कत है, उनको लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। देखा डाला क्या है आपने? देखा है आपने? देखा है जानकारी कॉपी देखी है आपने? पढ़ी है आपने? देखी है? मैंने उसके वीडियो देखे थे, मैंने कॉपी नहीं देखी। लिया वीडियो तो बना रहे हैं, नौकरी नकली दिला देते हैं लोग वीडियो में, तो पता नहीं क्या कैद बना देते हैं। क्या केस में क्या है, केस में क्या आप बताइए? मिसगाइड किया जा रहा है टोटल, और समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। केस में क्या है पता? हमें तो क्या पता, जब आप जैसे पत्रकार जो पाकिस्तान के इतना सपोर्ट कर रहे। भैया ऐसी बात मत करो आप, ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी बात मत कीजिए, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके सारे सवाल यही है। नहीं नहीं, मेरे सवाल वो है जो इस समय भिजा में पूछा, किसी माँ की बिंदी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें क्या होना चाहिए? वो आतंकवादियों से भी बड़े हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बनाते हैं। मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अभी अभी कानून ये नहीं कह रहा कि हाँ ये पूछोगे, ये नहीं पूछोगे, क्योंकि वो बिंदी की बात है, वो सिंदूर की बात है, वो सनातन की बात है, एक तरफा नहीं दे सकता वकील साहब। मैं की बात है, वो रामायण की बात है, वो सुंदरकांड की बात, इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ सकता कि कानून इस समय स्पष्ट नहीं है इस पूरे मामले पर। आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से कन्वर्टेड होगा भारत आई, यानी वो पाकिस्तान में हिंदू थी। इंस्टाग्राम चेक करो, उनका ये कहना कि वो अभी भी मुस्लिम है। वो इंस्टाग्राम चेक करो, वो यही कहते रहेंगे, वो उनके लिए कभी नहीं कहते हैं जो लड़कियां वहां
रोजाना बदली जाती हैं। कानून कैसे स्वीकार करें डॉक्टर? कानून कैसे स्वीकार, उन्हें छोड़ दिया। कानून उनके लिए क्या है? उनके लिए कानून है जो लड़कियां वहां धर्म परिवर्तन कराई जाती है, मंदिर तोड़े जाते हैं और सनातन धर्म पे जो तिरस्कार हो रहा है पाकिस्तान में, उस पर कानून क्या? उसके कानून की बात करोगे कभी? जो शरणार्थी आए हुए हैं उनकी भी आवाज उठाते हैं। जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए, उनको देखा आपने? हमने देखा, उनसे इंटरव्यू भी किया। नहीं किया? भारत वर्ष ने कल उस पर किया है। अरे उन्होंने बाद में किया होगा, ए टू जेड पर आप देख लीजिए। मेरा जो पॉलिटिकल न्यूज चैनल है डाला है, न्यूज टीवी पेज डॉक्टर एपी सिंह लार इंस्टाग्राम पे भी उसको डाला है, जो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी क्या बता रहे हैं, क्या दर्द बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये सारी चीजें थी जो आपने रखी डॉक्टर साहब। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस केस का जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपके साथ साझा किया। वकील साहब का कहना कि वो कन्वर्ट होकर, यानी पाकिस्तान में हिंदू थी, यहाँ पर आकर आई है। बच्चों की जो कस्टडी की बात करिए कि वो माँ का होता है। आप गुलाम भारत आएंगे तो इनका ये कहना है कि उनके ऊपर हमने कई केस कर रखे हैं। हालांकि एक पिता को कोर्ट ने बुलाया है और उसके बाद वो कोर्ट के हिसाब से आ रहे हैं, तो इसका मतलब गवाही, अब उनकी गवाही के बाद इस केस का क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप तमाम लोगों ने इन पूरे आर्गुमेंट को सुना, इसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।